गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अड्डा 247 एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के खूबसूरत से मॉर्निंग के साथ में कैसे हैं आप सभी लोग सर्दियां बढ़ती जा रही है ना डे बाय डे सर्दियां बढ़ती जा रही है अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली का ख्याल रखें वैसे भी आप लोगों को घर से क्लासेस लेनी होती हैं तो जो पढ़ाई की आपकी जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए है ना सर्दियों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर्दियों में गर्मी नहीं लगती है ऐसा नहीं चलेगा तो आपको क्या करना है अपनी पढ़ने की जो क्वांटिटी है जो क्वालिटी है उसको अब बढ़ाना है ठीक है ना चलो गुड गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग सुमित निशु अलिशा ममता बंटू और कौन है कीर्ति ठीक है रवि नेशु अलीशा आनंद सचिन गीतिका वैभव वीर शांतनु षनाग भी आए आज क्लास में ये कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं वैभव वेरी गुड मॉर्निंग इधर और भी काफी सारे नए स्टूडेंट्स भी आज क्लास में आए हैं डी वर्मा थैंक यू सो मच सचिन कुमार थैंक यू सो मच सोमन जीत स...

हाँ जी <coughs> अपनी दृष्टि प्रक्रिया पर हमेशा भरोसा रखें आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं हमेशा करें भरोसा करें वो जरूर जो है कामयाब होगा ही होगा अपने ऊपर भरोसा करो दूसरों पे भरोसा मत करो इसी के ऊपर आज एक न्यूज भी आई है एक न्यूज भी आई है भाई आज इसी चीज के ऊपर आज ये वाली मोटिवेशन कोड के ऊपर एक न्यूज है देखना <coughs> जितने भी नए स्टूडेंट्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा सो दैट आपको यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है जैसे कि जो बलट सब्जेक्ट वाइज क्वेजेज नोट्स आर्टिकल्स एवरीथिंग आपको यहां पे मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और चलते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ देखो भाई अच्छा नागलोक में बहुत काम रहता है तो तुम आए का वहीं रह जाते मैडम दाऊद का क्या हुआ भाई अभी तो ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही है कि वो सब अफवाह था आज से पहले भी बहुत बार सुनने को मिला है कि दाऊद जो है है उसको जहर दिया गया बट कभी कुछ हुआ नहीं मुझे लग रहा इस बार फिर से अटेंशन पाने के लिए कुछ भी ऐसी अफवाह जो है वो लोग फैला रहे हैं और कुछ नहीं है अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है अच्छा मीडिया वालों पे भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते उनकी मीडिया वालों को कुछ नहीं पता लेकिन हमारी मीडिया वालों को सब पता है दिन रात दिखाते हैं है ना ओला की भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया ए आई मेड फॉर इंडिया ए आई को अनवील किया है ओला का भाविश अग्रवाल इन्होंने अनवील किया है मेड फॉर इंडिया ए आई क्या है आपसे पूछा जा रहा है वॉट इज द नेम ऑफ द ए आई मॉडल अनवील्ड बाई ओला फॉर इंडियन लैंग्वेजेस इसका नाम क्या रखा गया है एक आई ए आई क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो आपके सभी सवालों का जवाब देता है आप कुछ भी पूछेंगे वो आपके सब सवालों का जवाब देगा जैसे कि लीसा है ओडिशा के अंदर सौंदरिया है कर्नाटका के अंदर ये क्या है ए आई रोबोट है ए आई एंकर भी जो है वो बनाए जाने लगे हैं एक ग्लोबल कंपनी ने पहली बार एक ए आई को सीईओ अपॉइंट किया है भाई साहब एआई का जो यूज है वो काफी बड़े लेवल पर देखा जा रहा है आज के टाइम पर अब देखो क्या हुआ है इंडिया के अंदर पहली बार हुआ है कुछ खास ध्यान से समझिएगा भारतीय भाषाओं के लिए ओला के द्वारा एक एआई को अनवील किया है इसका नाम रखा गया है कृत्रिम इसका नाम क्या रखा है कृत्रिम इसका नाम रखा है अब सुनो <coughs> ओला एक कंपनी है इसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा ओला के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी बच्चा होगा जिसने नहीं सुना होगा ओला के सीईओ है जिनका नाम क्या हो जाएगा भाविश अग्रवाल इनका नाम है पेन ज्यादा मोटा तो नहीं है ना ठीक है चलो भाविश अग्रवाल इनका नाम है तो इन्होंने क्या किया एक ए शो किया है अभी रिसेंटली एक ए इन्होंने दिखाया है किस कहा दिखाया है बेंगलुरु के अंदर इसको क्या किया है अनवील किया है Artificial intelligence, ये क्या काम करेगा आपके सभी सवालों के जवाब देगा और बोला गया है दस भाषाओं में देगा ये इंपॉर्टेंट है दस भाषाओं में ये आप इससे सवाल पूछ सकते हैं ठीक है अच्छा ये कब लॉन्च किया जाएगा अभी सिर्फ इसको अनवील किया गया है इसे लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2024 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जनवरी हैप्पी न्यू ईयर आप मनाओगे इस AI के साथ में जिसका नाम क्या है कृत्रिम इसका नाम रखा गया है ठीक है अच्छा तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है ये इसकी खास बात है आप अगर ये जो कंटेंट है आप जो भी कंटेंट पढ़ते हैं ठीक है थीके? आप उसे चाहो तो किसी भी भाषा में उसको कन्वर्ट करा सकते हो दस में से ठीक है आगे चलकर इसके अंदर और भी भाषाएं ऐड की जाएंगी और कहा जा रहा है आगे चलकर ये 20 भाषाओं में काम करने वाला है ठीक है हाँ बिल्कुल हाँ भाविश अग्रवाल जो कि सीईओ हैं किसके ओला के सीईओ हैं इन्होंने इस एआई को शो किया है कहाँ पर बेंगलुरु के अंदर ये इन्होंने अनवील किया है ठीक है जो बाई दस भाषाओं को समझ सकता है और आपके सवालों के जवाब दे सकता है फ्यूचर में ये जो है बीस भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसमें यानी कि और भी कुछ डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेंगी ठीक है ओके okay? चलिए अच्छा ये महाशेष नाम को पता है कहां कहां क्लास चल रही है सब जगह जाके सबको गुड मॉर्निंग कर रहे और कोई काम नहीं है सुबह सुबह चलिए ये तो बात हो गई यहाँ पे एआई के बारे में क्या नाम रखा है इसका कृत्रिम इसका नाम रखा गया है अभी ओपन एआई की बात करेंगे ये किसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट का है ओपन एआई ठीक है एआई कोर की बात करते हैं ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर एंकर कौन से स्टेट में बनाई गई थी पंजाब के अंदर लीसा कहाँ पे आता है ओडिशा के अंदर ये भी ए आई है।, है ये गूगल का है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए सौंदर्य के बारे में किसके बारे में सौंदर्य के बारे में ये कौन से स्टेट का कर्नाटका का हो जाएगा ठीक है ये कौन सा स्टेट का कर्नाटका का होगा ओके चलिए अगली वाली न्यूज की तरफ चलते हैं और ये देखो डिफेंस के सेक्टर में एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है क्या नाम है इसका समर इसका नाम है ठीक है समर इसका नाम है अब समझिए इसमें है क्या <clears throat> पहले तो सवाल सुनो इन विच स्टेट या फिर यूटी हैज इंडियन एयर फोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इसे कहां पर टेस्ट फायर किया गया है तो ये कहां टेस्ट फायर किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर ठीक है चलो अब देखो आप सभी जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर चल रही है एक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ठीक है? उस का नाम बताएगा मुझे कोई अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था उस एक्सरसाइज का नाम बता दीजिए मुझे क्या था है किसी को पता शक्ति नाम है क्या अष्ट शक्ति एक्सरसाइज का नाम है जो कहां पर की जा रही थी सूर्य लंका के अंदर इसका आयोजन किया गया इसी के अंदर क्या है समर इसको टेस्ट फायर किया गया है इसी एक्सरसाइज इसको क्या किया गया समर को टेस्ट फायर किया जगह कौन सी है ये आंध्र प्रदेश है ठीक है अब ये समर है क्या चीज ये है क्या एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो अपनी तरफ आने वाली मिसाइल को रोक सकता है और होने वाली दुर्घटना से हमें बचा सकता है ठीक है ये सरफेस टू एयर जितनी भी मिसाइल्स होती हैं जो सरफेस टू एयर वॉर करने वाली जितनी भी मिसाइल होती हैं उन सभी को रोक सकता है ठीक है इसको इसकी जो रेंज है ये कितनी हो जाएगी इसकी रेंज है बारह किलोमीटर बारह किलोमीटर के एरिया में जितनी भी मिसाइल्स होंगी ये क्या करेगा उनको रोकेगा ठीक है ठीक है अच्छा कितनी स्पीड से वो मिसाइल मिसाइल की जो स्पीड है दो से लेकर दो पॉइंट पांच मैक की अगर स्पीड है इतनी स्पीड से आती हुई मिसाइल से भी ये हमें प्रोटेक्ट कर सकता है ठीक है अच्छा तो क्या मैडम ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम पहले नहीं था हमारे पास में क्या ये पहली बार लेकर आए हैं नहीं डिफेंस सिस्टम इससे पहले हमने रशिया से खरीदा हुआ था वो हम यूज कर रहे थे जिसका नाम था विम्पेल जिसका नाम था विम्पेल लेकिन ये जो विम्पेल था ये सिर्फ एयर टू एयर सिर्फ एयर टू एयर जो मिसाइल्स है उनके लिए काम करता था इंडिया ने क्या किया है इसके अंदर और डेवलपमेंट किया इसको अपडेट किया और अब ये क्या है सरफेस टू एयर वॉर करने वाली सभी मिसाइल्स को रोक सकता है उनको कंट्रोल कर सकता है ठीक है है ना इंटरेस्टिंग तो नाम क्या है इसका समर इसका नाम है ठीक है क्या नाम है इसका समर नाम है ये ध्यान रखिएगा इज इट ओके चलो आगे चलते इंडियन एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स 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 चीफ जो है ये कौन है हमारे कौन बताएगा मनोज पांडे आर्मी चीफ हो जाएंगे एयरफोर्स चीफ कौन है वी आर चौधरी जी ओके? Okay? चलो आयरन डोम ये क्या है आयरन डोम भी क्या है एक डिफेंस सिस्टम है जो अपनी तरफ आने वाली सभी मिसाइल्स को ये क्या कर सकता है 90% को ये वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकता है ठीक है तो आयरन डोम ये कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में यूज किया है इजराइल का ये सिस्टम है अभी डीआरडीओ भी इसको डेवलप कर रहा है डीआरडीओ भी इसको डेवलप कर रहा है किस नाम से इंद्रजाल के नाम से आर डोम की तरह ये काम करेगा घातक मिसाइल के बारे में हमने कल ही पढ़ा था ये किसने इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने इसको टेस्ट फायर किया है आकाश मिसाइल ये भी क्या है डीआरडीओ ने कल टेस्ट फायर की इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है ठीक है तो ये सारी चीजें हमने कल परसों में पढ़ी भी थी <coughs> अब चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज पे जी नेक्स्ट वाली न्यूज देखिए क्या है स्वर्व वेदा महामंदिर अनवील किया गया है आप कहोगे कि मैडम ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है देखो कैसे ये है स्वर्व वेदा महामंदिर इसको अभी रिसेंटली क्या किया गया है अनवील किया गया है आपसे पूछा जा रहा है सवाल में सुनो सवाल में ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है हु इज अनवेल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर क्या है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वर्व वेदा महामंदिर इसको क्या किया है अनवील किया है किसने किया किसने किया सवाल आता है किसने किया हमारे मोदी जी ने क्या किया है मोदी जी ने इसको अनवील किया है ठीक है आप देखो क्या है इसके अंदर वो समझिएगा ध्यान से देखो <clears throat> बोला जा रहा है कि स्वर्ग वेदा महामंदिर जो बनाया गया है कहां पे वाराणसी के अंदर इसको बनाया गया है ठीक है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होगा क्या होगा सबसे बड़ा ये होगा मेडिटेशन सेंटर ठीक है जहां पर क्या होगा जहां पे योगा योगा एंड ज्ञान तीर्थ का सेंटर होगा योगा एंड ज्ञान तीर्थ के रूप में इसको जाना जाएगा योगा और आप कहेंगे ज्ञान तीर्थ के नाम से इसको जाना जाएगा इसका जो इनेगोरेशन है ये किसने किया मोदी जी ने इसका इनेगोरेशन किया है हमारे प्रधानमंत्री ने इसको इनाइगुरेट किया अब यहीं पर विकसित भारत संकल्प भी लॉन्च किया गया है समझिएगा यहीं पर विकसित एक सेकेंड रुको अरे आज इसका बोर्ड काम कर रहा है विकसित भारत संकल्प ठीक है विकसित भारत संकल्प इसको भी लॉन्च किया गया है इसके अंदर क्या होने वाला इसमें बोला गया है केंद्र की जितनी भी योजनाएं होंगी, वो सारी एक एक व्यक्ति तक हम पहुंचाएंगे इसके लिए क्या लॉन्च किया है ये एक कैंपेन लॉन्च किया है जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो एक एक पर्सन तक पहुंचनी चाहिए ठीक है अच्छा एक और चीज यहाँ पे लॉन्च की गई है काशी संगम एक और क्या लॉन्च किया गया है काशी तमिल संगम को लॉन्च किया गया है काशी तमिल संगम को लॉन्च किया है इसमें क्या होने वाला है इसमें ये होने वाला है कि वाराणसी कल्चर जो है और साथ में संगम कल्चर इन दोनों को जोड़कर दिखाया जाएगा ठीक है वाराणसी कल्चर और तमिल कल्चर यानी कि काशी यानी कि तमिल कल्चर को जोड़ के दिखाया जाएगा हैंडराइटिंग अच्छी है मेरी आप चाहे तुम अच्छी बोलो चाहे तुम गंदी बोलो चाहे जो बोलो हैंडराइटिंग मेरी ऐसी रहेगी क्यों इतना टाइम नहीं होता है एक घंटा होता है एक घंटे से भी कम टाइम होता है और इतनी सारी न्यूज होती है सजा सजा के लिखेंगे ना तो तुमको सजा मिल जाएगी कि सवाल ही पूरे नहीं होंगे फिर बोलोगे ये न्यूज नहीं हुई वो नहीं हुई चलो काशी कॉरिडोर हां जी काशी कॉरिडोर के बारे में आप सभी ने सुना होगा ये जो कॉरिडोर है इसको 2019 में डेवलप किया गया ठीक है इसको शुरू किया गया 2019 के अंदर क्या है इसके अंदर इस कॉरिडोर के अंदर बोला गया कि गंगा घाट है जितने भी यहाँ पर घाट के किनारे जितने भी ये चीजें हैं शहर है टेम्पल है जितने भी और कुछ ट्वेंटी थ्री जो है यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स है और घाट हो गए इन सभी को कनेक्ट किया जाएगा माध्यम से इन सभी को कनेक्ट किया जाएगा ठीक है? है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 1780 एडी में बाई हॉलकर इस प्रोजेक्ट को जो है लेकर आए थे लेकिन ये शुरू नहीं हो पाया था ये कह सकते हैं कि ये उनका सपना था जो 2019 में हमने क्या किया इसको लॉन्च किया ठीक है आर्मी ऑर्गेनाइज ऑनर रन पे ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ईस्टर्न रीजनल काउंसिल ये कहां पर हुई थी पटना के अंदर हुई थी महालक्ष्मी योजना ये कहां आती है तेलंगाना के अंदर आती है रेवंत रेड्डी जो नए सीएम आए वो इस योजना को लेकर आए नमो ड्रोन नमोड्रोन स्कीम किस फील्ड के साथ में जुड़ी हुई है ये स्कीम एग्रीकल्चर के साथ में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो जुड़ी है सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनके लिए लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज पे देखो एथ महापुत्र महा, महा सॉरी ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड आठवा ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है ठीक है इसका आयोजन किया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पर यह जो आयोजन है ये किया गया फिल्म महोत्सव <coughs> आंसर बताइए क्या होगा <coughs> बिल्कुल गुवाहाटी थी, जगह पर मिलती है आपको आसाम के अंदर आसाम की कैपिटल क्या हो जाएगी दिसपुर इसकी कैपिटल है आसाम के बारे में पढ़ेंगे हम ठीक है लेकिन पहले ये न्यूज देख लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल कौन सा एडिशन हो जाएगा इसका एट्थ एडिशन है ठीक है ये जो फिल्म फेस्टिवल है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है आसाम के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है इसका आयोजन क्या कारण है इसका तो बोला जा रहा है कि जो ईस्टर्न एरियाज है ठीक है आसाम हो गया जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर जितने भी एक्टर लोग हैं ठीक है जितने भी एक्टर्स हैं यहाँ के जो फिल्म होती हैं उनको प्रमोट करना, है। करना है उनको प्रमोट करना है भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैक्सिमम जो है वो प्रमोट करना है यहाँ की मूवीज को और यहाँ के एक्टर्स को ठीक है तो इस फेस्टिवल को शुरू किया गया है इसी के साथ में कौन सी मूवी कुकी की मूवी जो है ये पहली मूवी यहाँ पे दिखाई गई मूवी से जो है शुभ शुरुआत की गई है ठीक है आयोजन किया जा रहा है कब से 14 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 17 दिसंबर को ये खत्म हो गया 14 से लेकर 17 दिसंबर जो है इसका आयोजन किया गया है ठीक है ओके okay? <clears throat> चलो आप मुझे बताइए सिक्सटी नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन कहा हुआ था नेशनल फिल्म जो है इनका आयोजन पे किया गया था कौन सी जगह पे किया गया दिल्ली के अंदर ठीक है हाँ जी आप देखो आसाम आप देखोगे यहाँ पे ये यह जो ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पर ये यह आपको क्या ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलते ये तो बांग्लादेश हो गया ठीक है ये देखो यहाँ पर आप देखोगे ये सब क्या है ये सब क्या है ईस्टर्न स्टेट्स इस है ठीक है तो ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर आप देखोगे आसाम की लोकेशन जिसे पहले किस नाम से बोला जाता था कामरूप इसका पुराना नाम हुआ करता था इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी दिसपुर जो है वो इसकी कैपिटल है ठीक है अच्छा आसाम के अंदर अभी हमने देखा कुछ समय पहले सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया था आपसे अगर पूछा जाए हाईएस्ट ब्रिज जो है आसाम के अंदर बनाया गया उसका नाम क्या है उस ब्रिज का नाम है श्रद्धांजलि क्या नाम है उसका श्रद्धांजलि सेकंड हाईएस्ट ब्रिज पूछा जाए सेकंड हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ये है श्रद्धांजलि ठीक है जो रिसेंटली बनाया गया है लेकिन सबसे हाईएस्ट पूछा जाए सबसे हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा नीलाचल नीलाचल हिल्स कहां पर मिलती हैं आपको ये भी आसाम के अंदर मिलती हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी बहती है ब्रह्मपुत्रा सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे कौन सी बहती है ब्रह्मपुत्रा आप देखो भाई ब्रह्मपुत्रा की बात आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है यहां पर ये आप देख रहे हैं कि ये जो रिवर है ये कौन सी ब्रह्मपुत्रा जिसे चाइना में सॉरी तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है तिब्बत में इस नदी को सांगपो ठीक है और हमारे देश में ये आसाम में बहती है और अरुणाचल प्रदेश में बहती है ठीक है आसाम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नाम से जाना जाता है ये आप देख रहे धनसिरी रिवर ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी है ठीक है बारा नदी हो गई मानस हो गई संकोच हो गई तीस्ता रिवर हो गई ये सारी जो है ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है ठीक है सुबनसिरी भी क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी है ये सारी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है ठीक है चलो आगे चले तो आसाम से इतनी चीजें यार ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज नाम क्या है उसका माजुली नाम है उसका ठीक है और सबसे छोटा भी यहीं पर बना हुआ है उमानंद हमारा सबसे लंबा जो ब्रिज है वो भी यहीं पर बना हुआ है उसका नाम क्या हो जाए ये क्या आ गया ये काला टीका कहां से आ गया जा भी नहीं रहा है अरे भाई फटाफट से टीम को बुलाते हैं फिर ना टाइम वेस्ट नहीं जल्दी आ जाओ कोई हो बाहर तो अरे चला गया ठीक है ओके आगे चलते आप मुझे बताइए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम जो है क्या है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी तो आपको बताना है ये जो लॉन्च की थी ये किसमें लॉन्च की गई थी अभी इसका अनाउंसमेंट किया गया था सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए किसके लिए लॉन्च किया गया सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए हो गया ठीक हो गया ठीक है नेक्स्ट ऑपरेशन स्टॉम मेकर्स सेकंड जो है ये कौन लेकर आया ऑपरेशन स्टॉप मेकर सेकेंड की बात करते हैं इंटरपॉल ने इसको लॉन्च किया था ठीक है सूरत डायमंड एक्सचेंज गुजरात के अंदर यह सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सूरत डायमंड एक्सचेंज लॉन्च किया गया है इसको किसने किया है मोदी जी ने जो है इसको अनवील किया है ठीक है हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट न्यूज सुनो हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट कैंसल एक एग्रीमेंट जो है वो क्या हो गया है कैंसल हो गया है ठीक है इसका नाम था हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कंट्री हैज द हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट विद इंडियन नेवी किसने इसको कैंसिल कर दिया है मॉलदीव ने इसको कैंसल कर दिया है आप देखो भाई सुना हु, हु, हुआ क्या है आप कहोगे भलाई का जमाना ही नहीं रहा मैडम इसीलिए हम भलाई करते नहीं है ये बोलोगे सुनो <coughs> बात करते हैं किसकी मॉलदीव्स की ठीक है मॉलदीव कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी माले इसकी कैपिटल है ठीक है तो मॉलदीव जो है एक आ, इसकी लोकेशन देखो पहले कहां पर आपको मिलती है ये देखो मॉलदीव्स की लोकेशन आपको यहां पर मिलती है ठीक है यहां पर इसकी लोकेशन है ये क्या है एक आइलैंड है ठीक है इंडिया के और मॉलदीव्स के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हुआ करते थे ठीक है इंडिया की और मॉलदीव्स के रिलेशन यहाँ पर आप देखोगे जो पानी वाला एरिया है वो कौन कौन सा लग रहा है इसके साथ में तो यहां पर आप देखोगे इंडियन ओशियन और अरेबियन सी की जो लोकेशन है ये पूरा पानी वाला एरिया किसके साथ में लग रहा है मॉलदीव्स के साथ में लग रहा है ठीक है अब इंडिया क्या करता था मॉलदीव्स के साथ में जो भी आसपास में वाटर बॉडी है जो पानी है उसके अंदर हम अपने शिप भेजा करते थे क्या भेजा करते थे अपनी शिप भेजा करते थे जिसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था अब वो सुनो एग्रीमेंट क्या था एग्रीमेंट का नाम था हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट ठीक है हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट तो ये जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय हमारे देश के तो प्रधानमंत्री मोदी जी थे लेकिन मालदीव्स के अंदर फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यहाँ के ठीक है मॉलदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इनका नाम क्या था इब्राहिम सोले अब इब्राहिम सोले जो है ये इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे मोदी जी के और इनके काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे ठीक है तो हम क्या करते थे मॉलदीव मौ, का जो वाटर बॉडी वाला एरिया है, आस पास में जो पानी वाला एरिया है। वहां पर हम अपनी नेवल शिप भेजा करते थे इस एग्रीमेंट के माध्यम से ये क्यों भेजा करते थे ये इसलिए भेजा करते थे कि उस एरिया के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा ना हो सके चाइना जो वहां पर अपनी नजरें गड़ाई रखता है उस एरिया पे कब्जा करने के लिए ठीक है तो वो ऐसा ना कर सके उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सर्विलांस का काम करते थे हम इन शिप के माध्यम से ठीक है अब यहाँ पर थे इब्राहिम सोली फिर क्या हुआ फिर आए मॉलदीव्स के नए प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट आए जिनका नाम है मोहम्मद मुज्जू इनका नाम है मोहम्मद मुज्जो ठीक है अब ये जो है ना नेक्स्ट वाले जो प्रेसिडेंट है ये चाइना काफी ज्यादा फेवर करते हैं ये चाइना को काफी ज्यादा पसंद करते हैं अब ऐसे में क्या है इन्होंने इंडिया को मना कर दिया है कि आ, आप अब अपनी नेवल शिप हमारे एरिया में नहीं भेजोगे ठीक है यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इससे क्या है हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है हमारी जो सॉवर है ये खत्म हो रही है आपकी वजह से तो आप अपने नेवल शिप अब हमारे यहाँ पर सर्विलांस के लिए नहीं भेजोगे ठीक है अब क्या कर दिया यानी कि जो हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट था इसको कर दिया गया है इसको क्या कर दिया है इसको कैंसिल कर दिया है ठीक है क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई दखलंदाजी अब हमें हमारे एरिया में नहीं चाहिए ठीक है तो इसके अंदर इंडिया कितनी बार सर्विलांस के लिए अपने नेव भेज चुका था तीन बार भेज चुका था कौन सा आईएनएस गया था इंडिया की तरफ से आईएनएस इन्वेस्टिगेशन आईएनएस इन्वेस्टिगेशन गया था अब क्या है एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है अब सुनो ध्यान से सुनो अच्छा मुझे ये बताओ एक इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताइए मॉलदीव और मिनीकॉय की लोकेशन आपको नीचे मिलती ठीक है कितने डिग्री चैनल से ये दोनों अलग होते मॉलदीव और मिनीकॉय जो है कितने डिग्री चैनल से अलग होते फटाफट फ़ड़ से बता दो तब तक हम चलते हैं आपको कुछ और सवालों की तरफ लेकर चलते हैं है. मैत्री पाइपलाइन बाद में डिस्कस करेंगे ये देखो ये क्या हनी माधु ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इंडिया डेवलप कर रहा था किसके लिए मॉलदीव्स के लिए

क्या भिजवाया था हमने यहाँ पे पानी भिजवाया ये ऑपरेशन हमने कब चलाया 2014 के अंदर ये ऑपरेशन चलाया था इतना ही नहीं और भी काफी सारे डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो इंडिया कर रहा था कहां पे मॉलदीव के अंदर लेकिन 10 डिग्री नहीं है 8 डिग्री है किसने बोला 10 डिग्री कोटे जाओगे तुम नकुल 8 डिग्री जिसने 8 डिग्री लिखा है करेक्ट है अच्छा तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ठीक है जो हम क्या है मॉलदेव के लिए कर रहे हैं उसके बावजूद देखो उसके एहसान तो कुछ एहसान फरामोश एहसान फरामोश मॉलदेव उसके बावजूद एग्रीमेंट कैंसल कर दिया इसीलिए कहते हैं ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं ना तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा बदले में आपको भी अच्छा ही मिलेगा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप कितना ही अच्छा कर लो किसी के लिए कितना ही अच्छा कर लो किसी के लिए लेकिन बदले में आपको अच्छा नहीं मिलता है ठीक है इसलिए बेटर है कि अपने आप को बनाने में ही अपना समय लगाओ मैत्री पाइपलाइन की बात करेंगे ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कितनी एक किलोमीटर इसमें क्या है इसमें हम भेज रहे हैं फ्यूल डीजल ओके चलिए नेक्स्ट वाली न्यूज की तरफ चलते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बन गया है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यह बन चुका है आ धोखा होता है मुझे पता ही था ये शब्द मुझे जरूर सुनने को मिलेगा इस न्यूज के बाद यह शब्द जरूर मुझे सुनने को मिलेगा मैं जानती थी चलो नेक्स्ट वाली न्यूज पे आ जाओ ज्यादा भावनाओं में नहीं बहने का और सेशन को लाइक भी कर दो फटाफट से एक बार से जितना भी वाचिंग चल रहा है सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो ठीक है अच्छा अब देखो भाई क्या हुआ है इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो इस चीज को लेकर के एक लिस्ट आई है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा है फिलहाल आपसे सेकंड वाला पूछा जा रहा है तो यूपी जो है इसमें सेकंड नंबर पे होगा ठीक है हाँ फर्स्ट पे क्या है फर्स्ट पे है महाराष्ट्र करेक्ट है कई दिन से यूपी की न्यूज नहीं आ रही थी मन ही नहीं लग रहा था रोज सोच रहे यूपी कहाँ रह गया है आ जाइए यूपी की न्यूज है इतने दिनों से यूपी की न्यूज नहीं आ रही थी चलो भाई देखो ध्यान से समझना क्या हुआ है अभी एक डाटा जारी किया गया था कि कौन सा ऐसा स्टेट एस है कौन सा ऐसा स्टेट एस है जिसकी जो जीडीपी है वो मैक्सिमम है ठीक है तो इसमें टॉप पे तो कौन है महाराष्ट्र है. है, है? है ये नंबर वन पे है सेकंड नंबर पे कौन है उत्तर प्रदेश है सेकेंड नंबर पे जो है वो यूपी है अब यूपी की बात करेंगे नाइन पॉइंट हो चुकी है कितनी हो चुकी है नाइन हो चुकी है <laughs> 9.2 हो चुकी है। पहले यूपी जो है वो इस लिस्ट में काफी ज्यादा पीछे था ठीक है काफी ज्यादा पीछे था लेकिन काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है इस वजह से यूपी को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र क्योंकि यूपी का जो इकोनॉमी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी काफी बड़ी रैंक में जो है सुधार किया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनर जो है इसके बारे में पूछेगा आपसे ठीक है अब यूपी ने क्या है एक टारगेट रखा है अपना और कहा है कि आने वाले टाइम में क्या है आने वाले टाइम में हम चाहते हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए क्या बात है वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है इंडिया का खुद का टारगेट कितना है 2025 की अगर हम बात करते हैं 2025 में छह ट्रिलियन छह ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा हुआ है इंडिया ने और की प्रेजेंट टाइम तक जो है चार ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है ठीक है थीके? तो यहाँ पे यूपी पे फोकस किया गया यूपी काफी ज्यादा इस चीज को लेके काम कर रहा है अभी आप देखोगे वाराणसी जो है वाराणसी जो है ये बेगर फ्री हो चुका है यहाँ पर आपको बेगर्स ही नहीं मिलेंगे आपको यहां पर मिलेंगे ही नहीं एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से क्या हो चुका है बेगर फ्री हो चुका है ठीक है चलिए ओके तो अब भैया आप देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन एक बार यूपी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं यूपी जो है इसका फॉर्मेशन कब होता है इसका फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1950 में इससे पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था 1950 में इसको क्या कहा जाने लगा उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा इसको ठीक है यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो लोकसभा की सीटें मिलेंगी सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें लोकसभा की सीटें एटी वन है थर्टी है थर्टी है चार सौ तीन सीटें हैं ठीक है ठीके? चलो मिशन शक्ति कैफे जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया मिशन शक्ति कैफे की बात करते हैं ये भी कहां लॉन्च किया यूपी के अंदर लॉन्च किया गया गोंडा में यूपी में इसको लॉन्च किया गया ठीक है नो नॉन वेज डे ये अभी जो है योगी जी ने अनाउंस किया था कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा दिन जब कोई नहीं खा पाएगा जितनी भी नॉन वेज की शॉप्स है वो सभी क्या है पूरी तरह से बंद रहेंगी वो डे कौन सा है पच्चीस नवंबर नॉनवेज खाने वालों तुम जरूर ध्यान रखना ठीक है किसकी जयंती आती है इस दिन ये जिसकी जयंती आती है टीएल वासवानी जी की जयंती आती है ठीक है 2023 में इंडिया की जो जीडीपी है वो चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है ठीक है तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पे याद रखनी है ठीक है अच्छा अब एक सवाल है मेरा आपसे अभी तक मैंने सवाल नहीं पूछा है ना ये कभी आप बताओ आप मुझे बताइए यूपी की ओल्ड कैपिटल क्या हुआ करते थे भाई अभी तो है लखनऊ लखनऊ से पहले इसकी जो पुरानी कैपिटल है वो कौन सी थी फटाफट आंसर कर दो जल्दी से अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे 80 होगा क्या सॉरी 80 और 31 वन सॉरी 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 करेक्ट कर लो इसको अब ठीक है देख लेना इसको एक बार मैंने आपसे पूछा है यूपी की ओल्ड कैपिटल जो है ये क्या थी तब तक चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज पे एक अवार्ड दिया गया है ऑनर्ड विद गोल्डन आउल अवार्ड ठीक है गोल्डन आउल अवार्ड जो है ये प्रोवाइड किया गया है आपसे पूछा जा रहा है ये अवार्ड किसे दिया गया है किस देश ने, किस देश देश ने ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों को क्या दिए हैं डीएससीएससी गोल्डन आउल अवार्ड दिए हैं हाँ डी एस सी क्या डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कौन सी कंट्री ने ये अवार्ड्स दिए हैं वाराणसी हुआ करती थी बिल्कुल करेक्ट ए? नहीं, नहीं 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 आगरा हाँ शक्ति का करेक्ट है आगरा हुआ करती थी यूपी की पुरानी कैपिटल तुम लोग भी मुझे अब मुझे भी अपने साथ भावनाओं में ले लेते हो श्रीलंका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर श्रीलंका ठीक है थीके? भारत का गिरता हुआ आंसू श्रीलंका को कहा जाता है टीयर ऑफ इंडिया अभी देखो क्या हुआ था आयोजन हुआ था गोल्डन आउल आयोजन हुआ इसके अंदर क्या है इसके अंदर बोला गया कि जितने भी डीएससीएसई पाठ्यक्रम से करिकुलम से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को क्या है यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं ठीक है तो यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी अवार्ड्स दिए गए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी ये अवार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं अच्छा तो ये अवार्ड्स दिए किसने हैं ये दिए हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के अंदर प्रेसिडेंट की बात करेंगे रानिल विक्रम सिंघे है है ना रानिल विक्रम सिंघे जो है वो यहाँ पे प्रेजिडेंट है इन्होंने ये अवार्ड्स प्रोवाइड किए हैं ठीक है ये अवार्ड्स दिए किसने हैं बाय डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के द्वारा ये अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं ज्यादा कुछ नहीं आने वाला यहां से बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी और कुछ नहीं पूछा जाएगा ठीक है चलो आप देखो कुछ और अवार्ड्स विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड दिया गया अभी रिसेंटली किसको मिला है डॉक्टर श्रीनिवास नायक को डॉक्टर श्रीनिवास नायक जो है इन्हें ये अवॉर्ड दिया गया है ठीक है अच्छा नेक्स्ट इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी ऑनर बाय फिनलैंड फिनलैंड के द्वारा दिया गया किसको मिला अफगान एक एनजीओ है इसे दिया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करेंगे तो ये हम देख चुके हैं ये किसको दो लोगों को दिया गया एक तो है डेनियल ठीक है एक है अली अली अबू अवार्ड ठीक है ये दो लोगों को दिया गया है अली अबू अवार्ड को दिया गया उसके बाद बात करते पदमा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया जावेद अख्तर ये अवॉर्ड दिया गया किसे जावेद अख्तर को दिया गया ये वाला अवॉर्ड ठीक है तो देखो सारे अवार्ड्स मैं साथ में रिवाइज करा रही हूँ हर एक चीज रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है शंकर सिंह जी बैच लेना है बैच के बारे में लास्ट में बताएंगे आप उसके बारे में लास्ट में बताएंगे हम हाँ। ठीक है चलो सचिन कुमार मिस्टर मोटू साहिल रोशन ठीक हो ना तुम लोग कुछ बच्चों की कंप्लेन रहती है मैडम हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हो अच्छा सो नेक्स्ट वाली न्यूज पे चलते हैं भाई पहली बार जीता है अंडर 19 एशिया कप कुछ भी हो पहली बार जीत जब होती तो जश्न भी जबरदस्ती होता है खुशी का ठिकाना नहीं होता है ना और यहाँ पर किसकी बात चल रही है अंडर नाइनटीन एशिया कप की बात चल रही है और किसी टीम ने इसको पहली बार जीता है तो देखते हैं ये किसने जीता है हाँ भाई क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाइए देखो किस देश ने पहली बार अंडर नाइनटीन जो एशिया कप है 2023 इसे जीत लिया है आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा बांग्लादेश जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना बांग्लादेश ने इसको पहली बार जीता है तो आयोजन कहाँ पे हुआ था दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ इसका फाइनल मैच एंड किसके बीच में बांग्लादेश के बीच में खेला गया ठीक है विनर कौन रहा है इसमें बांग्लादेश जो है ये इसमें विनर रहा और पहली बार जीता है ये इसका फर्स्ट टाइटल है ये जो है फर्स्ट टाइटल यूएई को बांग्लादेश ने 195 रन से हरा दिया इतने रन से हरा कर जीता है ठीक है अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है किसको चुना गया है रहमान शिबली को चुना गया है ठीक है इनका पूरा नाम है अशिकर रहमान अशिकर रहमान शिबली ठीक है इनको चुना गया है मैच ऑफ द प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर 19 एशिया कप को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है मैक्सिमम टाइम्स जो इसका विनर रहा है ये कौन सा देश रहा 129 है आर्टिकल्स में तो 195 दिया हुआ है कि 195 रन से हरा दिया है चलो वो तो पूछा भी नहीं जाएगा पेपर में अगर वन कुछ और है तो ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कहाँ पर आयोजन हुआ किसने इसको हरा दिया ठीक है किसने जीता रनर अप कौन रहा बस ये पूछा जाता है बिल्कुल शांतनु का आंसर करेक्ट आया है इंडिया जो है ये इसका मैक्सिमम टाइम विनर रह चुका है आठ बार इंडिया इसको जीत चुका है एट टाइम्स जीत चुका है ठीक है अभी विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया गया इसको हरियाणा ने जीता किसको हराकर राजस्थान को हराकर जीता रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे रणजी ट्रॉफी जो है ये किसने जीती रणजी ट्रॉफी कल भी मैंने आपको बताया था सो ने जीती के आर केकेआर राष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे ये कौन से स्टेट ने जीता पंजाब ने ये किसने जीता पंजाब ने ठीक है चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं आनंद मैरिज एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड मैरिज को लेकर के एक नया एक्ट आया है ठीक है आप देखो शादीवादी जिसको करनी ना वो बड़ा ध्यान से सुनेगा पहले तो पहले तो बड़ा ध्यान से सुनेगा अगर उसके काम की न्यूज हुई तो वो रहेगा नहीं तो वो चलता बनेगा आनंद विहा विवाह अधिनियम को लागू किया गया है हां जी तो ये जो नियम लागू किया गया है क्या बोला जा रहा है आनंद विवाह एक एक्ट एक था ठीक है इसको अब किया गया है लागू जो कि काफी लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही थी इसकी डिमांड की जा रही थी तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज के बारे में अच्छे से देखते हैं कि ये है क्या सिख धर्म से जुड़ा हुआ है किसके साथ में जुड़ा है सिख धर्म से जुड़ा है कि सिख धर्म के लोग जो शादी करते थे जो जो इनकी मैरिज हुआ करती थी अगर वो सिख परंपरा से होती थी ठीक है तो उसको मान्यता नहीं मिलती थी हिंदू परंपरा से ही मान्यता मिलती थी इस चीज को लेकर काफी लंबे समय से क्या है इस चीज को लेकर विवाद चल रहा था डिस्प्यूट चल रहा था ठीक है एक एक्ट एक भी लाया गया जो पारित तो हो गया था लेकिन वो लागू नहीं हुआ था अब बोला गया है इसको लागू कर दिया गया है देखो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने आनंद विवाह एक्ट को लागू करके सिख समुदाय की कदम उठाया है इसमें क्या होगा? ये जो एक्ट है सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है अब उसको भी क्या है मान्यता दी जाएगी जिससे सिख जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम की बजाय विशिष्ट नियमों के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है पहले उनको हिंदू विवाह के तहत ही ठीक है अनुमति मिलती थी अब क्या है उनको अपने आनंद विवाह एक्ट के तहत अनुमति मिलेगी सिख धर्म के अनुसार तो 30 नवंबर को जारी किया गया था एक सरकारी अधिसूचना जिसमें बोला गया जिसमें बोला गया कि अब क्या है इन विवाह को रजिस्टर किया जाएगा जो सिख धर्म से जुड़े हैं इस एक्ट के अंदर कब आता है ये एक्ट 1909 में इस एक्ट को लाया गया लेकिन ये पारित हुआ था उसके बाद में जाके ठीक है 1909 के टाइम पर यानी कि ब्रिटिशर के टाइम पर ये एक्ट लाया गया था ठीक है 2012 के अंदर संसद ने सिख पारंपरिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हुए इस विधेयक को क्या कर दिया पारित कर दिया था ठीक है ये जो बिल है वो पारित हो चुका था लेकिन ये लागू नहीं हुआ था अब जाकर इसको क्या कर दिया गया है लागू कर दिया गया है ठीक है देखो आंसर क्या हो जाएगा कहां पर इसको लागू कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है इसको लागू कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा यूनियन टेरिटरी बन चुका है कब बना था 2019 के अंदर अक्टूबर 2019 में इसे यूटी बनाया गया था ठीक है अच्छा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कौन हो जाएंगे मनोज मनोज सिन्हा जो है ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे गिरीश चंद्र मुर्मू जो की प्रेजेंट टाइम पर हमारे कैग है ठीक है Is it okay? <clears throat> तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है चलो भाई आगे चलते नेक्स्ट देखो गोवा लिब्रेशन डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेट किया गया है गोवा लिब्रेशन डे बनाया गया है अभी रिसेंटली एक मुझे बोल रहा है मैडम गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की हो आपकी नजर में तो बताना मुझे शादी के लिए बेटा तुमको लड़की मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है ठीक है अब गवर्नमेंट जॉब वाले तो तुमसे क्यों शादी करेगी वो है इधर देखो की बकवास गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है क्योंकि देखो हमारे देश में सबसे पहले कौन आए थे पुर्तगीज आए थे सबसे पहले आए थे पुर्तगीज व्यापार की दृष्टि से व्यापार की दृष्टि से बोला है मैंने ठीक है सबसे लास्ट में गए थे सबसे लास्ट में कहा गोवा गोवा से तो इनका जाने का मन ही नहीं था फिर क्या किया? भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया ऑपरेशन विजय ये कब चलाया? 1961 के अंदर ये ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन विजय एक उन्नीस में भी चलाया गया था वो भी याद रखिएगा। ये नाइनटीन सिक्सटी वन में फिर इसके माध्यम से क्या है हमने पुर्तगीज को भगाया यहाँ से 19 दिसंबर को ये फाइनली छोड़ के चले गए 1961 में इस दिन को हम क्या मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं ठीक है लेकिन स्टेट का दर्जा अभी इसको नहीं मिला था स्टेट का दर्जा कब मिला गोवा को 1987 के अंदर इसे राज्य का दर्जा दिया गया ठीक है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया नाइनटीन के अंदर ठीक है चलो तो तुमको लेके चलते हैं गोवा वाली बीच पे अगर देखा जाए तो गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य है ठीक है सबसे छोटा राज्य है आप मुझे बताइए इसका हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है फटाफट -फड़ से बताओ इसका हैप्पी वाला बर्थडे जो है ये कब आता है गोवा का एक इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी पंजे इसकी कैपिटल है यहाँ पर एक रिवर भी बहती है इसी के किनारे पर मंडवी रिवर इस रिवर के ऊपर बना हुआ है दूध सागर वाटरफॉल एक वॉटरफॉल मिलता है जिसका नाम क्या है दूध सागर वॉटरफॉल ठीक है यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे सीएम है प्रमोद सावंत यहाँ पर सीएम है कुछ पूछा था मैंने आपसे 1987 तो मैंने ही बता दिया मैंने डेट पूछी है मैंने डेट पूछी है कौन सी डेट पे मनाया जाता है ये नहीं बताया किसी ने अभी क्या है गोवा ये रेबीज फ्री हो चुका है रेबीज फ्री हो चुका है ठीक है इसने हर घर जल हर घर जल को सबसे पहले लागू किया इसका टारगेट जो है ये गोवा ने अचीव कर लिया है ठीक है ये ओपन डेफिकेशन फ्री भी हो चुका है ओपन डेफिकेशन फ्री भी हो चुका है आपको देश की जो पहली वाइन म्यूजियम है वो आपको यहीं पर मिलता है गोवा के अंदर ही मिलेगा ठीक है आगे चले चलो अब देखो कुछ ऑपरेशंस लिखे हैं यहाँ पे जैसे कि ऑपरेशन पोलो की बात करेंगे ऑपरेशन पोलो जो है जो कि कब आता है? 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया कौन से स्टेट को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया, गया? हैदराबाद के लिए आया ऑपरेशन विजय की बात करेंगे ऑपरेशन विजय जो है उन्नीस में आया था ठीक है 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पर ऑपरेशन मेघदूत ये आता है 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सियाचिन पर अपना कब्जा करने के लिए ठीक है ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर आए तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको याद रखने ठीक है ओके सो आई थिंक दिस वाज़ द लास्ट न्यूज हाँ अब क्या है ये है होमवर्क जिसका आंसर आपको करना है कॉमेंट सेक्शन में अभी नहीं करना बाद में करना है ठीक है अच्छा जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके ठीक है तो अब आपसे मुलाकात करेंगे दो बजे आज स्टैटिक जीके का नया टॉपिक जो रहने वाला है ये कौन सा है हाँ निक नेम्स ठीक है सिटीज के खिलाड़ियों के सबके जो निक नेम्स होते हैं ये आज हम करने वाले हैं ठीक है ठीके? उपनाम से जाना जाता है जैसे कि ब्लू सिटी सन सिटी है ना किसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं एम एस धोनी काफी सारे ये चीजें सवाल जो है वो पूछे जाते हैं ये वाला टॉपिक करेंगे इसके अलावा अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है सिलेबस कंप्लीट करना है जितने भी नए स्टूडेंट है वो सुनेंगे ध्यान से अब आपको करना क्या है एस एस सी जे दो हजार चौबीस ठीक है छे महीने से भी कम टाइम बचा है डेली जो है इसमें दिन घटते जा रहे हैं उन्नीस दिसंबर से हमारी यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी है स्टडी प्लान भी बना दिया गया है जिसके हिसाब से से अगर आप चलते हो तो एग्जाम पहले सिलेबस विद प्रैक्टिस सारी चीजें आपको कवर करा दी जाएंगी अगर आप इस स्टडी प्लान के हिसाब से चलते हो कल पहली क्लास हुई थी आज से दूसरी क्लास है तो जल्दी से आप लोग जिसको ज्वाइन कर लीजिए यकीन बैच को ठीक है कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है गूगल क्रोम पे जाना है देखो भाई गूगल क्रोम जैसे आप ओपन करते हैं तो जो जो है है वो आपको टाइप करना है। टाइप करना करने के बाद में जो फर्स्ट वेबसाइट होगी इस पे कीजिएगा क्लिक ठीक है क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाने के बाद ए का सेक्शन मिलेगा यहाँ पर और डिफेंस वालों को यहाँ पर ये रहा डिफेंस का ठीक है ए का सेक्शन आपको मिलता है यहाँ पर पीजीसीएल का आज से स्टार्ट हो रहा है नवीन जी आज से स्टार्ट हो रहा है ठीक है लेकिन मेरी जो क्लासेस है वो उसमें मंडे से स्टार्ट होंगी अभी नहीं पीजीसीएल में मेरी क्लासेस मंडे से होंगी

देखिएगा यहाँ पे लक्ष्य जो है ये तो सिर्फ नॉन टेक के लिए है इसमें भी लाइव चल रही है क्लासेस आपकी अगर आपको टेक नॉन टेक दोनों साथ में चाहिए तो यकीन 2.0 पॉइंट जीरो दो हजार चौबीस के लिए है इसमें टेक नॉन टेक दोनों मिलेगा 19 तारीख से कल से क्लासेस में स्टार्ट हो चुकी आज दूसरी क्लास हो गई इस पे करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यू ऑफर्स लिखा हुआ है यहाँ पे जाना है एंटर कूपन कोड कीजिएगा यहाँ पर डाल देना वाइल सेवन सेवन फोर ठीक है वाई 774 आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो अमाउंट जो है वो डिस्काउंट मिलेगा आपको ये रुपए में हो गया बस सिर्फ रुपए, जिसमें टेक नॉन टेक दोनों है हां 30 मई वैभव ये हुई ना बात अब इसको याद आया गोवा का हैप्पी बर्थडे कब है 30 मई 1987 को हाँ बिल्कुल सही है भैया करेक्ट है चलो ओके तो ये आ, आप लोगों को लेना है जिसको एस एस सीजे दो हजार चौबीस देना है उसको ये बैच लेना है ठीक है एसकी क्लासेस होगी आज मेरी क्लासेस इसमें जो है वो कल तो इंट्रोडक्शन पार्ट था आज दूसरी क्लास होने वाली है इसके अंदर ठीक है ये होगी बारह बजे और ये बिल्कुल लाइव रहेगी आपकी चलो तो मिलते हैं फिर दो बजे मिलते हैं जब आप YouTube पे जाते हैं ना तो YouTube पे आपको मिल जाएगा सेक्शन मिलेगा आप सीधा इंजीनियरिंग गड्डा ट्वेंटी फोर सेवन टाइप करना ठीक है सीधा आपको टाइप करना है ओके ये लो YouTube पे जाओगे इंजीनियरिंग अड्डा पे तो देखो लाइव वाले सेक्शन में जाना लाइव वाले सेक्शन में जाके देखो ये सारे इवेंट्स लगे हुए हैं स्टैटिक जीके आज टॉपिक होने वाला है ऑफ सिटीज एंड ये हम करने वाले हैं आज का टॉपिक दो टीचर्स की भी क्ला, क्लासेस लगी हुई है देखो शिवम सर की क्लास लगी हुई है यहाँ पे है ना आप देखोगे अनंत सर है रजत सर हो गए प्रमोद सर हो गए अभिनय सर हो गए सबकी क्लासेस लगी हुई है तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आप लोग अटेंड कीजिए ठीक है चलो ओके गाइज तो मुलाकात करते हैं आप नेक्स्ट वाले सेशन में थैंक यू सो मच हैव ए गुड जे ये एनालिसिस वाला पीडीएफ डलवाना प्लेस। एनालिसिस वाला ही जाता है हमेशा कल इसलिए नहीं गया था क्योंकि इस बोर्ड ने धोखा दे दिया जैसे मैंने क्लास खत्म करी ये बंद हो गया अब वो पीडीएफ भी क्या है फिर डिलीट हो गया आज मिल जाएगा ठीक है चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच बाय टेक केयर